आप उस अत्याधुनिक शोध के बारे में जानने के लिए तैयार है जो कैंसर के इलाज में क्रांति ला सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मैक्रोफेज द्वारा व्यक्त दो जीनों का अनुपात कैंसर के इलाज के लिए रोगी की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी कर सकता है। CXCL9 जीन मैक्रोफेज को व्यक्त करता है जो कैंसर कोशिकाओं पर हमला करता है, जबकि SPP1 जीन मैक्रोफेज को व्यक्त करता है जो ट्यूमर के विकास का समर्थन करता है। ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट में एक उच्च CXCL9 से SPP1 अनुपात एक एंटीट्यूमर प्रतिक्रिया को इंगित करता है, जबकि कम अनुपात एक प्रोट्यूमर प्रतिक्रिया से मेल खाता है। यह अनुपात अन्य कोशिकाओं की आणविक गतिविधि को भी इंगित कर सकता है, जैसे एंडोथेलियल कोशिकाएं और फाइब्रोब्लास्ट। ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट की गैर कैंसरयुक्त कोशिकाएं ट्यूमर की वृद्धि और व्यवहार्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कोशिकाएं, जिनमें फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल कोशिकाएं, एपिथेलियल कोशिकाएं और विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिका प्रजातियां शामिल हैं, ट्यूमर के विकास में मदद करती हैं या बाधा डालती हैं। कैंसर के इलाज के लिए इन कोशिकाओं को लक्षित करना जटिल है, क्योंकि घातक कोशिकाओं के विपरीत वे तेजी से उत्परिवर्तन नहीं करते हैं और इस प्रकार उपचारों के प्रति प्रतिरोध विकसित करने की संभावना नहीं है। शोधकर्ताओं ने यह देखने के लिए सिर और गर्दन के कैंसर रोगियों के ट्यूमर का विश्लेषण किया कि व्यक्तिगत कोशिकाओं में जीन की अभिव्यक्ति रोगी के परिणामों से कैसे संबंधित है। उन्होंने पाया कि CXCL9 और SPP1 पूर्वानुमान से जुड़े हुए थे और यह अन्य कैंसर के लिए भी सच साबित हुआ। CXCL9 से SPP1 अभिव्यक्ति का अनुपात अन्य ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट कोशिकाओं की स्थिति और सिर और गर्दन के ट्यूमर में कुछ प्रो और एंटी ट्यूमर घटनाओं से मेल खाता है। ये निष्कर्ष ट्यूमर सूक्ष्म वातावरण को इम्यूनोथेरेपी जैसे उपचारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए दवा विकास में सुधार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा साझा किए गए जीन अभिव्यक्ति हस्ताक्षरों की पहचान करने से संभावित आणविक लक्ष्यों का भी पता चलता है, जो कैंसर के इलाज के लिए सटीक दवा रणनीति बनाने में सहायता करता है।